गुड इवनिंग प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीएसटी के अंदर थर्ड क्लास है जो हमने सेल्स पे छोड़ा था, उसके आगे टू बी कंटिन्यू, दोबारा कर लेंगे सेल्स को। और जितने भी बच्चे हैं यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, पुणे, अलवर, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम टॉपिक की बात करते हैं। और आप सबों की आई होप पढ़ाई अच्छी चल रही है ना, और अच्छी चलनी भी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था वो आप सबके पास नोट है, वो आप रिवाइज कर सकते हैं। बाकी आज मैं जीएसटी में इनकम की जनरल एंट्री की बात कर रहा हूँ, इनकम की विद जीएसटी। इनकम जो है हमारा, ये मैं बात कर रहा हूं विद जीएसटी, विद जीएसटी। तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको पता है कि मैं तो टेबलर फॉर्म में बांट देता हूं इसको, दो पार्ट में बांट देता हूं। एक तो हमारा इसके अंदर है सेल्स रिलेटेड, जो हमारे पास इनकम की जगह पे आप रिसीव भी लिख सकते हो, है ना। एक तो है हमारे पास सेल्स रिलेटेड और अदर इनकम, इधर मैं डाल देता हूं अदर इनकम, जैसे रेंट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, इन सब की बातें करेंगे, ठीक है ना। आपको प्रॉपर विजुअल है बहुत ठीक है सर, प्रॉपर विजुअल है, ठीक है बच्चे। सेल्स में मैं एक बार जीएसटी का फिर से सिनेरियो आपको जैसे कि पता ही है। अब मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर सीधा क्वेश्चन ही करते हैं, बार बार रिवाइज करके टाइम थोड़ा सा ज्यादा ना लेके क्वेश्चन। पॉइंट नंबर वन, मैं दिल्ली का हूँ, ये ध्यान रखना। जो मैं हूँ वो मैं कहाँ रहता हूँ, मैं रहता हूँ दिल्ली में। अब इससे अंदाजा लगाना, जितनी भी मेरा जो होम टाउन है वो दिल्ली है, इससे आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। दिल्ली में रहता हूं। मैंने लिखा गुड्स सोल्ड टू राधा रुपीज 6000, 6000 रुपए का सामान बेचा, एंड जीएसटी 12%। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि जो गुड सोल्ड किया गया है वो दिल्ली में बेचा गया है या दिल्ली के बाहर बेचा गया है। इसका क्या लॉजिक है सर, दिल्ली में बेचा गया या दिल्ली के बाहर? इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि जो दिल्ली में बेचा गया है इसका मतलब विद इन अ स्टेट, और दिल्ली के बाहर आपका आउट ऑफ स्टेट। तो वहां पे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का फर्क पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कि राधा को जो सामान बेचा है, कैश की बात नहीं है तो ये क्रेडिट पे है, ठीक है ना, कैश की बात नहीं है तो ये क्रेडिट पे है। चलिए इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, यहीं पे मैं एंट्री भी करूंगा, कैलकुलेशन भी। आपको बड़े ही साफ साफ नोट करना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि सेल्स के अंदर हम और भी कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे। वर्किंग नोट, कुछ बच्चों का क्वेरी आता है सर वर्किंग नोट यही करना, नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए है। जब आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, नोटिंग अभी ऐसे कर लो, जब पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तब आपको सिर्फ जर्नल एंट्री करना होगा, वर्किंग नोट से मतलब नहीं है। तो वर्किंग नोट मैं यहां कर देता हूं, वर्किंग नोट, ओके सर, वर्किंग नोट। जैसे हमारा गुड्स है, गुड्स कितने का है ना बच्चे, 6000 का। अब 6000 के गुड्स में, अब पता है दिल्ली में है तो प्लस हम पहले करेंगे सीजीएसटी, लेकिन अब सेल्स किया है तो कौन से वाला सीजीएसटी आएगा ये भी ध्यान रखना है। सेल्स किया है तो आउटपुट आएगा, आउटपुट सीजीएसटी, थोड़ा इधर से लिख देते हैं, प्लस आउटपुट, साफ साफ लिखना है सीजीएसटी। नाउ आउटपुट सीजीएसटी के अंदर क्या आएगा हमारा, 12% दे दिया जीएसटी, इसका मतलब आपका 6% होगा, तो 300 रुपए।
सॉरी 360 रुपये, 360 रुपये, ठीक है ना। कैसे निकाला ये 360 रुपये, इसकी भी कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ, इसकी भी कैलकुलेशन ले लेते हैं हम, ठीक है बच्चे। 6,000 पे आपको पता है रेट आधा हो जाएगा, तो आधा यानी ये आ गया हमारा कितने परसेंट है हमारा, ये हमारा है 12%, तो 6-6% हो गया, तो 6/100, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर और ऐड हो जाएगा हमारा आउटपुट SGST, ये भी क्या आ जाएगा 360। कैसे आया, बिल्कुल सेम। नाउ हमें जो राधा से टोटल पैसे लेने हैं, टोटल लेने हैं राधा से, वो लेने हमें 6 300, 300 720, तो 6720। अब सर इसकी जनरल एंट्री बताओ, बिल्कुल बताते हैं इसकी जनरल एंट्री। जनरल एंट्री देखो आप, पहले लॉजिक भी समझ लो आप। देखो यहां पे क्या क्या इन्वॉल्व है, यहां पे एक तो सेल्स है ना, एक आउटपुट जीएसटी है, और पैसे का तो कोई रोल नहीं है, एक राधा है। तो सेल्स आपकी इनकम है, दैट्स वाई जनरल एंट्री में कहां जाएगा ये क्रेडिट, सेल्स इनकम है, जनरल एंट्री में क्रेडिट जाएगा। आउटपुट जीएसटी आपके लिए लाइबिलिटी होता है, आपको अच्छे से पता है, तो ये कहां जाएगा क्रेडिट। राधा से पैसे लेने हैं, बताओ क्या है, जिससे मुझे पैसे लेने होते हैं उसको क्या बोलते हैं सर, डेटर बोलते हैं। तो ये डेटर है, डेटर का मतलब एसेट है ना, डेटर का मतलब एसेट्स, और एसेट्स का मतलब इट शुड बी डेबिट। बड़ा ही आसान। अब जनरल एंट्री देखिए आप, जनरल एंट्री देखिए आप, फटाफट से देखिए जनरल एंट्री में क्या होने वाला है। सबसे पहले डेबिट वाले को लेते हैं, तो डेबिट हमारा एक है और क्रेडिट हमारे दो हैं, तो डेबिट राधा, राधा डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट के लिए टू वर्ड का इस्तेमाल, टू सेल्स और टू आउटपुट। अब यहां पे अलग अलग लिखना है, आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST, है ना। मैंने तो जीएसटी लिख दिया, अब वहां पे CGST SGST है। राधा से टोटल कितने लेने हैं, 6720, जिसमें से सेल्स का पैसा लेना है, जिसमें से सेल्स का पैसा लेना है इससे हमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स जो मानी जाएगी वो मानी जाएगी ये 6,000, 6,000 रुपये। और जीएसटी का पैसा लेना है 360, 360। बीइंग क्या लिखेंगे इसका, बीइंग क्या लिखेंगे बच्चे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राधा, टू राधा, क्लियर है ना। चलिए एक बार मैं एक एक करके धीरे धीरे नोटिंग करते जाएंगे, चलते जाएंगे, और हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। फटाफट नोट करिए, फर्स्ट पॉइंट करवाया मैंने जब उधार सेल किया था विद इन अ स्टेट, लेकिन यहाँ पे स्टेट के बारे में कोई चर्चा नहीं करी गई थी। आप जल्दी जल्दी इसको नोट करिए, मैं इसे मिटा के फिर मैं दूसरा करूंगा, इसी से भी सेल्स अच्छे से करेंगे, फिर इनकम करेंगे, ठीक है ना। जल्दी जल्दी आप नोट करिए इसको पॉज करके। हाँ जी प्यारे बच्चे, नोट कर लिया, अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। देखो पहले वाला ही क्वेश्चन, तो गुड सोल्ड टू राधा ₹6,000, जीएसटी आपका 12%। मैं यहां पे लिख देता हूं, आगे कॉन्सेप्ट ऐड कर देता हूं, एंड कैश रिसीव्स, ठीक है। इसका मतलब ये सारा किस में है, कैश में है। एंट्री देखो सबसे पहले वर्किंग नोट, वर्किंग नोट है ना। वर्किंग नोट में हमारा सेल्स कितना है सर, सेल्स तो 6,000 का ही किया है, लेकिन इसमें क्या लगा हमारा आउटपुट, आउटपुट CGST, और लगा इसमें आउटपुट SGST। मैं अमाउंट चेंज करता हूँ, आप बोल रहे हो सर अमाउंट चेंज कर दो, ठीक है बच्चे, आपकी डिमांड पे अमाउंट चेंज कर दिया, ये लो 10,000, ठीक है। अब 12% है, तो 6% और 6% होगा, ठीक है ना। तो 6% 600 रुपए,
6%, 600 रुपये। राहुल बोल रहा है कि सर 6% कैसे है, लो जी बता देते हैं, 10,000 मल्टीप्लाई 6 बाय 100, ठीक है जी। अब 1200, तो 11,200 टोटल कैलकुलेशन है, इतना पैसा हमें ये कैश में मिल जाएगा जब सामान बेचा है तो। चलिए रूल भी देखते हैं, एक तो सेल है और एक जीएसटी है और एक कैश है। सर यहां पे राधा नहीं आएगा क्या? नहीं, क्योंकि इस सेंटेंस में कह दिया ना एंड कैश रिसीव, तो जब कैश रिसीव बोल दिया है तो फिर क्यों आएगा बताओ? नहीं आएगा, सिंपल सा लॉजिक। सेल्स हमारे लिए इनकम है, रेवेन्यू होता है, वैसे मैं इनकम बोल देता हूं कई बार, उसमें टेंशन मत लो, तो ये क्रेडिट होना चाहिए। जीएसटी लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है तो इट शुड बी डेबिट होना चाहिए। कैश हमारा क्या है बताओ? एसेट है, तो इट शुड बी क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए डेबिट। तो देखो, ओहो लाइबिलिटी को सर क्रेडिट लिख डेबिट लिख दिया, ये लो जी, ठीक है ना। चलिए अब जर्नल एंट्री देखिए, सेकंड पार्ट कैसे करेंगे हम, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए करके दिखाते हैं। यहां पे कैश आएगा डेबिट में, कैश अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स आपको फॉर्मेट में करना है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं अब तो बिना फॉर्मेट के हम भी कर लेंगे, नहीं जी नहीं, आउट पुट सी जी एस टी और टू आउट पुट एस जी एस टी, ठीक है। अभी विदाउट डिस्काउंट कर रहा हूं, विद डिस्काउंट भी करूंगा, चिंता ना करो आप। टोटल पैसे 11,200 मिले क्योंकि ग्राहक से 11,200 लेंगे, और सेल्स के पैसे थे जिसमें से मेरे पास आएंगे 10,000, और 600 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट का और 600 रुपये स्टेट गवर्नमेंट का। बींग बींग गुड्स सोल्ड ₹10,000, बस बींग में तो आपकी इच्छा है, आजादी है आपको, जैसे मर्जी करो। फटाफट से इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं, फिर से थर्ड पॉइंट करेंगे, इसको टू कर देते हैं ना, ये हमारा टू हो गया, नोट्स बना रहे हैं हम आज अच्छे। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर थर्ड पे चलेंगे। कर रहे हो नोट? यस सर। चलो ठीक है जी, पॉज करके नोट करिए आप, ठीक है ना, यही तो फैसिलिटी है ऑनलाइन के अंदर आपका। चलिए मैं इसको इसको पूरे को मिटा देता हूं। चलिए पॉइंट नंबर 3, 3 गुड्स सोल्ड टू मोहन या गुड सोल्ड एट, सोल्ड टू मोहन ही करते हैं, सोल्ड टू मोहन, मोहन ₹15,000 एंड IGST 12%। बस जनरल एंट्री करना है आपने। अब IGST से आप क्या समझ रहे हो? मैं दिल्ली से हूं तो कहाँ माल बेचा होगा बताओ? क्या दिल्ली में बेचा होगा या दिल्ली के बाहर बेचा होगा? सिंपल सा जवाब है सर, दिल्ली के बाहर बेचा होगा, तभी तो क्या लगा है IGST, ठीक है ना बच्चे। चलो वर्किंग नोट फिर से, मैं आपके लिए कर रहा हूं ये मेहनत। वर्किंग नोट, सेल्स अमाउंट है, सेल्स अमाउंट है 15,000 और प्लस आउटपुट IGST
ये 12%, तो 12% इसका 1800 होगा। फिर एक बच्चे ने पूछा सर कैसे, तो 15,000 इंटू में 12/100 है ना, तो सर क्या रेट को आधा नहीं करेंगे? यही तो खास बात है, आईजीएसटी में रेट आधा हमारा नहीं होता, इस बात को आपको समझना है, ठीक है ना? ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे 16,800। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, आपके इम्पेक्टेड सेल्स आपका कैश में है क्रेडिट पे है? क्रेडिट पे है तो टोटल लेना कितना है, हमें लेना है ये है, तो ये तो हमें लेना है, किससे लेना है जी? मोहन से। तो मोहन से लेना है तो ये एसेट है हमारे लिए, है ना, एसेट है, तो इट शुड बी डेबिट। चलो एक डेबिट ये होगा। सेल्स रेवेन्यू है तो क्या होगा हमारा सर? क्रेडिट। आउटपुट लाइबिलिटी है तो क्या होगा सर? क्रेडिट। लो मिल गया हमें आंसर, एंट्री करते हैं। मोहन डेबिट, मोहन डेबिट, इसके बाद टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट, आउटपुट आई जी एस टी, आउटपुट आई जी एस टी, बस मोहन में आएगा 16,800, सेल्स में आएगा हमारा 15,000 रुपये। किसी को डाउट है तो बोलो, बोलो ना, कोई डाउट है तो? नहीं है ना, ठीक है। और ये आएगा 1,800 रुपये, ठीक है, जनरल एंट्री में। बींग, इसका बींग आप लिखोगे गुड सोल्ड टू मोहन, ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री भी कर लिया हमने, पॉइंट नंबर फोर यहां कर दूं मैं आपके लिए, बताओ, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा फिर आपका। पॉइंट नंबर थ्री कर दिया, नोट करिए, क्या पॉइंट नंबर फोर कर दें हम आपके लिए? कर सकते हैं? हाँ सर कर दो, पॉइंट नंबर फोर गुड्स सोल्ड रुपीस 10,000, ब्रैकेट में कर दिया, कहाँ सोल्ड किया मैंने, मैंने कर दिया यूपी, यूपी एंड जीएसटी 12%। सर यहां पे सिर्फ जीएसटी वर्ड लगाया है, तो अब आपको सोचना पड़ेगा, जब दिल्ली से यूपी में बेचा गया है तो हमें आईजीएसटी रखना है या सीजीएसटी और एसजीएसटी रखना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, दिल्ली से यूपी जा रहा है, अब जल्दी बताओ, मैं तो वर्किंग नोट कर रहा हूं। सर दिल्ली से अगर यूपी जाएगा तो सिंपल है, इंटर स्टेट हो गया हमारा, यानी आईजीएसटी। तो वर्किंग नोट में सेल्स है हमारा, कैश पे है क्रेडिट पे, जल्दी बताओ सर, नाम है ही नहीं यहाँ पे, तो ये तो कैश पे ही होगा, प्लस आउटपुट आईजीएसटी 12%, 1200 मात्र, और ये आ गया 11,200। फिर एक बच्चे ने बोला सर ये कैसे निकाल लेते हो आप? तो सिंपल बात है, सेल वैल्यू रखना होता है और मल्टीप्लाई रेट करना होता है, अगर 12 ही निकालना है तो 12, 6 निकालना है तो 6, और ये किस में है ट्रांजेक्शन हमारा? कैश में। जनरल एंट्री कर सकते हो इसका, कर सकते हो, चलो ये मैं आपके ऊपर जिम्मेदारी, ये एसेट्स है तो डेबिट होगा, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और इसके बाद सेल्स इनकम है तो क्रेडिट होगा, मैं नहीं करूंगा जी, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, और ये है हमारा आउटपुट आईजीएसटी, तो ये भी लाइबिलिटी है, दैट्स वाई क्रेडिट। इतनी मदद कर दी, अब आपका जो जवाब है वो फटाक से आना चाहिए, ठीक है? तो 4 पॉइंट कर लिए, अभी जो सेल्स हमने किए हैं, चलो पहले एक बार नोट कर रहे हो आप, अभी जो हमने सेल्स किए हैं वो सेल्स किए हैं सिंपल, इसमें कोई डिस्काउंट का रोल नहीं था, अभी हमें एक कैश डिस्काउंट और एक ट्रेड डिस्काउंट भी एडअप करना है इसमें, इस बात को समझिए। तो मैं ट्रेड डिस्काउंट का तो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट इस तरीके से, है ना?
तो अभी मैं सिंपल सिंपल एंट्री लेके चल रहा हूँ, अदर इनकम भी है। फिर इसके बाद अभी सेल्स पे ही चलेंगे हम, आगे चर्चा करेंगे सेल्स विद कैश डिस्काउंट, सेल्स विद ट्रेड डिस्काउंट, सेल्स विद, तो ये सारा रहेगा। अभी तो हम सिंपल सिंपल देख रहे हैं। चलिए नोट करिए फटाफट से नोट करिए, फिर हम चर्चा करेंगे आगे। ओके सर, अब मैं नोट करने जा रहा हूं उसे। ठीक है, कर लिया नोट? हाँ जी स्टूडेंट। चलिए इनकम तो कर लिया, अब चलते सेल्स तो कर लिया, अब हम बात करेंगे इनकम की। ठीक है, इनकम की सेल्स कर लिया, अब आगे भी देखेंगे। इनकम के अंदर पॉइंट नंबर वन, ठीक है, पॉइंट नंबर वन अगर मैं लिखूं इनकम में, तो रेंट रिसीव, रिसीव्ड रुपीस 5,000, रेंट रिसीव रुपीस 5,000 एंड आईजीएसटी 10%। ठीक है, बस इतना है। तो सबसे पहले रेंट रिसीव्ड है, सीखा था ना मैंने, रिसीव्ड है मतलब पैसा मिल चुका है, तो ये आउटस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। या मैं अगर लिखूं रेंट रिसीव्ड फ्रॉम, अगर लिख दूं तो बताओ कोई फर्क पड़ेगा? फ्रॉम राहुल, क्या कोई फर्क पड़ेगा बताओ? नहीं पड़ेगा जी, रिसीव्ड हो चुका है ना। पहले वर्किंग नोट कर देते हैं आपके लिए। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में क्या रहेगा हमारा? वर्किंग नोट में रहेगा हमारा रेंट अमाउंट 5,000 प्लस आउटपुट, आउटपुट आईजीएसटी। थोड़ा धीरे लेके चल रहा हूं क्योंकि न्यू है भाई, जीएसटी सिखाना है ये, तो थोड़ा धीरे तो चलूंगा ही। बींग, अब कैसे आया? अब देखो मैं लिख देता हूं, फिर भी कुछ बच्चे जुड़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। 10/100 टोटल मुझे रेंट मिलेगा 5,500, और ये कैश में होगा। चेक होता तो क्या करते हैं बैंक? सर एंट्री बताओ। बिल्कुल बताते हैं एंट्री। एंट्री देखिए, एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले मेरे पास लॉजिक देख लेते हैं। एक तो इन्वॉल्व रेंट है जो कि हमारे लिए रिसीव है, तो दैट्स वाई इनकम है ना? और इनकम है तो रेंट को क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। दूसरा आउटपुट, आउटपुट जीएसटी है जो कि मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो इट शुड बी क्या होना चाहिए? इट शुड बी क्रेडिट होना चाहिए। इसके बाद एक कैश इन्वॉल्व है। कैश बिजनेस के लिए क्या होता है सर? ये तो एसेट होता है, तो बताइए क्या होना चाहिए? पैसा रिसीव हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा ये, है ना? अब जर्नल एंट्री देखिए फटाफट से। जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। ओहो, मार्कर थोड़ा दूसरा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आएंगे? 5,500 देगा हमें किराएदार, और रेंट के पैसे कितने दिए? आप यहां पे रेंट भी लिख सकते हो, रेंट रिसीव भी लिख सकते हो, तो मैं रेंट रिसीव लिख देता हूँ। रेंट रिसीव्ड अकाउंट कितने किराए थे उसके? 5,000। और आईजीएसटी क्या है? आउटपुट आईजीएसटी, आईजीएसटी 500 रुपये। बींग क्या लिखेंगे? बींग, बींग बताइए, बींग क्या लिखेंगे? बींग रेंट रिसीव्स है ना, रेंट रिसीव। बताइए कोई दिक्कत? इनकम, दो तीन इनकम भी के भी कर लेंगे छोटे छोटे, नोट करिए इसको, या फिर मैं एक यहां पे भी कर सकता हूं चाहूं तो। ठीक है ना, पॉइंट नंबर टू मैं लिख देता हूं कमीशन,
कमीशन रिसीव फ्रॉम एक्स वाई जेड लिमिटेड रुपीज 10,000 एंड सी जी एस टी 5%, एस जी एस टी 5%, ठीक है, सी जी एस टी 5% एंड एस जी एस टी 5%। चलिए वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, हमारा कमीशन क्या है? कमीशन शॉर्ट ही लिख देते हैं, कमीशन 10,000 प्लस आउटपुट, आउटपुट एस जी एस टी 5% है तो 500 रुपये, प्लस आउटपुट सी जी एस टी 5% है मतलब 500, इट मीन्स 11,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए कमीशन इनकम है तो इट शुड बी क्रेडिट, कमीशन इनकम है तो इसको क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। ये लाइबिलिटी है तो इट शुड बी ऑल्सो क्रेडिट, ये भी लाइबिलिटी है ऑल्सो क्रेडिट। यहां पे थोड़ा चेंज कर देता हूं, चलो ये हमने कैश में रिसीव किया है कैश, तो इट शुड बी डेबिट, ठीक है। अगर आप मेरे से जर्नल एंट्री पूछते हो तो जर्नल एंट्री क्या बताऊंगा बताइए? जर्नल एंट्री आपको बताया जाएगा यहाँ पे, मैं रफली कर रहा हूँ, बाकी फेयर करना है, नीट एंड क्लीन चाहिए, नहीं तो मैं दोबारा दे दूंगा होमवर्क आपको। जर्नल एंट्री मैं करूंगा यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, क्यों, एसेट से कितने रुपए आए? 11,000। टू कमीशन रिसीव भी लिख सकते हो 10,000, और टू आउट पुट सी जी एस टी 500, और टू आउटपुट एस जी एस टी 500, बाकी बिंग वगैरह आपने लिखना है, ठीक है, बिंग वगैरह आपने लिखना है। एक बच्चा कह रहा है सर ये नीचे का दिख नहीं रहा, कट गया। चलो जी अब तो दिख रहा है ना, अब दिख रहा है, अब ईमानदारी के साथ नोट करो, फिर अदर इनकम के बाद एक और दो पॉइंट देख लेंगे, 3-4 पॉइंट, ठीक है, अब नोट करिए। हाँ जी नोट कर लिया, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, एक्सपेंस पे। एक्सपेंस के अंदर जैसे कि हम सबसे पहले परचेज की बात करेंगे जीएसटी के साथ, ये विद जीएसटी होगा है ना, विद जीएसटी, विदाउट वाले तो हम पहले ही कर चुके हैं बेसिक में, और एक अदर एक्सपेंस की बात होगी। परचेज के अंदर पॉइंट नंबर वन करते हैं, चलो गुड्स, फिर से मैं बता दूं मैं कहाँ का रहने वाला हूं, दिल्ली का मानते हैं। गुड्स परचेज, गुड्स परचेज, ओहो गुड्स परचेज फ्रॉम, गुड्स परचेज फ्रॉम दीपा, ठीक है, दीपा से सामान खरीदा है रुपीज 10,000 एंड जीएसटी 10%, ठीक है। अब एक्सपेंस है तो एक्सपेंस पे कौन से वाला जीएसटी लगेगा? एक्सपेंस में पैसा जाएगा, और पैसा जब जाता है हमारे पास से तो हमारा जो जीएसटी लगता है उसका नाम है इनपुट, इनपुट जो कि हमारे लिए क्या होता है, इनपुट एसेट, और क्या होना चाहिए, डेबिट, ठीक है ना, सारे एक्सपेंसेस पे। चलिए अब इसके अंदर बताया नहीं है कि कहाँ बेचा गया, तो मानोगे कि दिल्ली में ही बेचा गया, बताया
बताया नहीं कि कैश में है, क्रेडिट पे है, तो मानो कि नाम आ गया तो ये किस पे है, क्रेडिट पे है, तो वर्किंग नोट करते हैं। चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले परचेज, परचेज कितने का है, 10,000 प्लस कर देते हैं इसमें क्या इनपुट, अब इनपुट आएगा, इनपुट CGST 10% दोनों है तो CGST 5 यानी ₹500। कैसे आया जी ₹500, 10,000 का 5%, ठीक है, समझ रहे हो ना? अरे समझ में आता, आप बोलते ही नहीं कुछ। इसके बाद क्या आएगा, इनपुट SGST, ये भी 500, टोटल सामान खरीदा हमने 11,000 का, जो कि पेमेंट कर दिया या करना है, करना है, किसको करना है, दीपा को, दीपा को, है ना जी। चलिए रूल देख लेते हैं, एक तो इसमें एक परचेज इन्वॉल्व है और एक इन्वॉल्व है इसमें जीएसटी, एक इन्वॉल्व है दीपा। अगर मैं परचेज की बात करूं तो एक्सपेंस है जी ये, और एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। जीएसटी की बात करें तो इनपुट वाला एसेट है ये, जो डेबिट होगा। क्या बात है, सब डेबिट हो रहा है। इसकी बात करें तो जब उधार माल खरीदते हैं तो पैसे देने होते हैं या लेने होते हैं, सोचो। पैसे देने होते हैं तो यह है क्रेडिटर, और क्रेडिटर से याद आया क्या बनेगा, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी से याद आया साइड क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। रूल मैंने बना दिया सर, अब जर्नल एंट्री भी करके दिखा दो। अरे जर्नल एंट्री तो आप खुद भी कर सकते हो, रूल पता चल जाए तो। चलिए फिर भी मैं आपके लिए, आपकी डिमांड पे, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, और इनपुट CGST, इनपुट SGST, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, और टू क्या आएगा बताओ, टू क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, बोला ना दीपा, दीपा अमाउंट बता दीजिए फटाफट। परचेज में जी 10,000 था सर, इसमें 500, 500 और ये 11,000 लिखिए, बीइंग भी लिखवाओ सर, ठीक है जी, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम दीपा, क्लियर है ना ये सारे पॉइंट्स आपको जी? सर बिल्कुल क्लियर है ये पॉइंट्स। अब नीचे का दिख रहा है, एक बच्चा बोल रहा है सर नीचे का नहीं दिख रहा, चलो जी नीचे का दिखा देते हैं आपको, अब दिख गया बच्चे, सर थोड़ा और दिखा दो, ठीक है ये लो। चलो जल्दी नोट करिए, परचेज ये था हमारा जीएसटी विद इन अ स्टेट, अब एक इंटर स्टेट सेल परचेज करूंगा, ठीक है, नोट करिए पॉज करके अच्छे से, फिर हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, है ना सर? नोट तो कर लिया हमने पॉज करके, ओके जी नोट करिए फटाफट, मिटा दे सर मिटा दो, ओके चलो ये लो मिटा रहा हूं मैं, ये मिटा दिया मैंने, ये मिटा दिया। अब देखो मैं थोड़ा इसमें चेंजेस करूंगा, गुड्स परचेज फ्रॉम दीपा ऑन कैश कर देता हूं, ठीक है, और इसको कर देते हैं 5,000, समस्या कोई नहीं सर, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए अगर ऐसा हुआ तो क्या रहेगा, परचेज हमारा कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा, इनपुट जीएसटी इसके ऊपर लगेगा 5% यानी ₹250, कैसे, 5,000 का 5% और ये भी 250 आ जाएगा, और इसका टोटल आ जाएगा 5,500, है ना, इसका टोटल क्या आ गया 5,500,
नाउ सेम परचेज एक्सपेंस से डेबिट, जीएसटी एसेट से डेबिट, यहाँ दीपा की जगह पे क्या आ जाएगा? परचेज किया है तो हमारा इम्पैक्ट आएगा कैश पे, और कैश क्या है बताइए सर? कैश तो एसेट है, डेबिट करो। नहीं, एसेट्स कम हो रहा है बच्चे, एसेट्स कम हो रहा है, तो आपको पता है ना एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होगा। क्यों भूल जाते हो बार बार आप? ठीक है सर, यहां तो डेबिट, यहां पे एसेट्स बढ़ रहा है, जीएसटी का दे रहे हैं तो जीएसटी बढ़ता जा रहा है। ठीक है सर, जर्नल एंट्री भी कर देते हैं हम, बिल्कुल। परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी, अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी, अकाउंट डेबिट और टू कैश, चेक होता तो टू बैंक, है ना? चेक होता तो टू बैंक। चलो अमाउंट भी फिल कर देते हैं, अमाउंट परचेज में 5,000, 250, 250 टोटल पेमेंट, 5,500 करना फॉर्मेट में ही है आपने। बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश, बाकी जीएसटी वगैरह डालना चाहते हो डालो, बिंग में कोई मना ही नहीं है, डाल सकते हो आप बिंग के अंदर, ठीक है ना? चलिए अब नोट करिए इसको, ये पॉइंट नंबर 2 है जी आपका, ये पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, नोट करिए इसको, जल्दी जल्दी नोट करिए पॉइंट नंबर 2। चलिए जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, है ना? थर्ड पॉइंट, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज फ्रॉम कालू, और ये खरीदा यूपी से ₹6,000 एंड जीएसटी 10%। अब बताइए कैसे करेंगे, वर्किंग नोट बताऊं पहले मैं, है ना? पहले वर्किंग नोट कर देता हूं फिर करेंगे। सर थोड़ा साइज इसके बड़े कर दो। ठीक है जी, ये लो जूम कर दिया, आप फटाफट दिख रहा होगा अच्छे। यस सर, सर वर्किंग नोट करो, मैं इधर करता हूँ वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट, परचेज कितने का है, परचेज देखो कितने का है, 6,000 प्लस। अब बताओ दिल्ली का रहने वाला हूं और यूपी से काम चल रहा है तो क्या आएगा हमारा? इनपुट, इनपुट क्या आएगा? इनपुट आई जी एस टी, कितने रुपए आएंगे इनपुट आई जी एस टी में? 10% है तो ₹600 इसका, 10%। ठीक है, ये आ गया 6,600। अब उधार खरीदा है कालू तो ये कालू का नाम आएगा, ठीक है ना बच्चे? अब रूल देखो, परचेज हमारा क्या है बताओ? परचेज एक्सपेंस है, परचेज क्या है हमारा? एक्सपेंस, तो नाउ इट शुड बी डेबिट। ये क्या है? एसेट, इट शुड बी डेबिट। और कालू क्या है? क्रेडिटर, इट शुड बी क्रेडिट। ठीक है ना, ये रूल लिख देता हूं, वैसे तो आपको याद ही हो गया और आपको पता भी है। चलिए परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी का फुल फॉर्म आ सकता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स टू कालू,
कालू, अमाउंट देखो 6,000 जी, और 600 टोटल 6,600। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कालू, बताइए कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। एक और एग्जाम्पल कराऊं? चलो इसको नोट करो, इससे बेहतरीन एग्जाम्पल करेंगे, है ना? एक बढ़िया एग्जाम्पल करेंगे, इसको नोट करिए पहले आप, नोट करिए। पार्टली वाला करेंगे अब, इसको नोट करिए। कर लिया नोट? पॉज करके कर लो बच्चे, पॉज करके, ठीक है? हाँ सर, पॉज करके नोट करेंगे हम तो, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, ये लो। इसी में थोड़े से पॉइंट्स ऐड करता हूं। एंड 50% पेड। अब आधा पैसा पेड हो गया, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है? सर ये भी चेंज करो, लो जी 5,000। बस अब ज्यादा चेंज नहीं सर, कालू भी अच्छा नहीं लग रहा, चलो लालू कर देते हैं, लालू, ठीक है? चलिए वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में परचेज 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 आ गया मेरा 5,000 रुपये का। परचेज के बाद प्लस आईजीएसटी है ना, आईजीएसटी इनपुट, इनपुट आईजीएसटी जो आएगा 10%, 500 रुपये। टोटल कितने हो गए? 5,500। क्या ये सारा उधार है या सारा नगद है? सर नहीं, ये ना तो सारा उधार है और ना ही सारा नगद है, इसमें पार्टली है। पार्टली के अंदर क्या है देखते हैं, दो पार्ट में बट गया, नंबर वन नंबर टू, कुछ हिस्सा बट गया ये नगद के रूप में, है ना, और कुछ हिस्सा बट गया ये उधार क्रेडिट के रूप में, क्रेडिट के रूप में, क्रेडिट के रूप में। तो जितना हिस्सा कैश है 50%, यहां क्या बोला है 50%, तो 5,500 का आधा आएगा हमारा 2,500 और 2,500, 2,750। ये समझाने के लिए, बाकी जब आप कर लोगे तो आप तो मास्टर हो जाओगे इसमें। 2,750। अब रूल देखते हैं एक करके, ठीक है? रूल देखते हैं आराम से। आप मुझे बताइए रूल के अकॉर्डिंग, परचेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है ये, इट शुड बी डेबिट, ठीक है? ये हमारे लिए एसेट्स माना जाता है और बढ़ रहा होता है तो इट शुड बी ऑल्सो डेबिट। अब आ जाओ कैश पेमेंट करेंगे तो है तो ये एसेट, लेकिन जब पेमेंट करेंगे तो कम होगा ये, तो इट शुड बी क्रेडिट। और किसी को पैसे देने बाकी है, लालू को पैसे देने बाकी है, देने बाकी है तो लाइबिलिटी है भाई ये, और लाइबिलिटी तो इट शुड बी क्रेडिट। इसको क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे, है ना? इसको करेंगे हम क्रेडिट। अब देखो एक दो क्रेडिट और एक दो डेबिट, ठीक है? अब जनरल एंट्री करके दिखाता हूं, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 5,000। कितना आसान है, इनपुट, इनपुट आईजीएसटी डेबिट कितने रुपए? 500 रुपए। क्रेडिट में दो हैं, क्या क्या? एक तो लालू, लालू लालू को कितना है भाई ये 2,750, और टू कैश, जितना पार्ट कैश में दिया है कैश कितना 2,750। देखिए बींग बींग
गुड्स परचेज फ्रॉम लालू। ओके सर, समझ में आ गया। सर अगर ये, चलिए पहले यहां तक देखिए, तसल्ली से देखिए पहले, समझ में आया नहीं आया, आप बोलते क्यों नहीं? आया ना यहां तक समझ में? नहीं आए तो बताइए, आपके पास ऑप्शन है ना लाइव चैट का, डाउट पूछिए आप। आया क्या आपको यहां तक समझ में? सर बिल्कुल आ गया यहां तक। अब मैं कोई एक वेरिएशन करता हूं, ये मुझे अलग से चाहिए, आज ही भेजना है आपने ये होमवर्क। मैं इस 50% को अगर मैं कर दूं, इस 50% को अगर मैं कर दूं, मान लेते हैं 40%, क्या हमारा आंसर चेंज होगा? क्या हमारा आंसर चेंज होगा? आपको जब नोट करोगे तो व्हाट्सएप पे तो भेजते ही हो, वहां पे बोलना है सर मैंने करा है, मेरा चेक करिए, मैं चेक करके बताऊंगा आपको। 40%, बस सर यही 40%? नहीं, एक ये होमवर्क हुआ, सेकंड क्वेश्चन होमवर्क में आप इसको 50-40 के जगह पे लिखना 1/2, या लिखना यहाँ पे हाफ पेमेंट। हाफ वाला तो कर ही दिया, 20 वाला भी करके दिखाना आप, 20 वाला। दो क्वेश्चन, तीसरा 1/4 रिसीव। तो सर आप वर्किंग नोट तो बताओ, सिंपल बताते हैं। देखो 40% कैश है ना, पेड वाली बात कर रहे हैं, तो 40% पेड है, तो 5500 का 40% निकाल लो, 5500 को दो पार्ट में बांटो 40%, तो 5500 रुपये का 40% देखें कितना आता है। ये मेरे कैलकुलेट महाराज बताइए जल्दी से, 2200 रुपये क्या आया? 2200, बाकी उधार उधार भी बताइए, 3300। ठीक है, अब सर 20 हम निकाल लेंगे, 1/4 बताइए। ओहो 1/4 बताना है, देखो 5500 होगा, जनरल एंट्री आपने ही करने, इसके दो भाग बटेंगे, 5500 का 1/4, तो 5500 मल्टीप्लाई 1/4 तो क्या आएगा? डिवाइडेड बाय 4, 1375। और बाकी क्या बचा सर? बाकी बचा आपका 4125। तो ये तो होगा हमारा किस पे? क्रेडिट पे। और ये किस पे होगा? कैश पे। तो सिंपल, आप तो समझदार हो ही, ठीक है ना, आप तो समझदार हो ही। सर आपने फिर नीचे लिख दे तो दिखता नहीं, आप व्हाइट बोर्ड से बाहर क्यों निकल जाते हो? ना चिंता करो बच्चे, दोबारा सुन लेना, ये लो आपके सामने आ गया पूरा, ठीक है। बार बार आप गलती करते हो सर, व्हाइट बोर्ड पे ऐसे मत करा करो। ठीक है जी, कर लिया नोट। देखो मैंने इसके अंदर कितने सारे क्वेश्चन, एक तो मैंने 50 वाला करवाया है, 40 वाला होमवर्क के लिए दिया, 20 वाला होमवर्क के लिए दिया, 1/4 के लिए होमवर्क के लिए दिया। तो परचेज वाला अभी पॉइंट किया है हमने, और परचेज में कैश वाला भी कर लिया। अब अदर एक्सपेंस पे आएंगे, अभी खत्म नहीं होगा बच्चे, अभी तो देखो शुरू कर रहे हैं, अभी तो जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर एक्सपेंस वाले पे चलते हैं। जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी जल्दी। लिए जी अगले कॉन्सेप्ट पे चले। हाँ सर चलो, ठीक है जी अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। किस पे? एक्सपेंस पे। आपको तो पता ही है अदर एक्सपेंस किसको बोलता हूं मैं, पॉइंट नंबर वन, रेंट पेड ₹6000। हमारे पास से पैसा गया, लेकिन एक बात याद रखना, पैसा जमा करते हुए बैंक में और पैसा निकालते हुए बैंक से जीएसटी नहीं लगता, इस बात का ध्यान रखना। उसमें भी पैसे आते हैं हमारे पास निकालते टाइम पे, और जमा करते टाइम पे भी जाते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। रेंट पेड 6000 एंड IGST 10%, ठीक है। लो जी इसको करके दिखाते हैं क्या होगा वर्किंग नोट में। अब तो पता ही चल गया आपको, फिर भी कर देता हूँ। रेंट कितने का गया हमारा सर? 6000 का खर्चा प्लस इनपुट, इनपुट IGST कितने रुपए का सर? 10% 600 रुपये का। ओहो टोटल कितना मैंने पेड करा? कैश में पेमेंट है जी, ये कैश में 6600।
सर अब रूल बताओ ना हमें कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री तो समझ ही नहीं आ रहा। चिंता मत करो, मैं जर्नल एंट्री बता देता हूँ। रेंट क्या है हमारे लिए? सर ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। रेंट के बाद इसकी बात करते हैं। IGST क्या है हमारे लिए? सर ये एसेट है, क्योंकि ये इनपुट वाला है ना, तो इसलिए एसेट्स है। क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। सर कैश क्या है? ये भी एसेट्स है, सर इसको भी डेबिट होना चाहिए। ना ना, कैश आपका डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, तो ये क्या होगा हमारा? क्रेडिट। क्या जवाब मिला आपको? हाँ सर, करें इसकी एंट्री। बिल्कुल सर, चलिए एंट्री करते हैं। एंट्री क्या होगा हमारा? हमारा एंट्री क्या होगा? एंट्री क्या होगा? होगा हमारा रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST डेबिट, टू कैश, ठीक है। रेंट में कितना? 6,000। IGST में कितने रुपए आएंगे आपके? 600। कैश अकाउंट में कितने रुपए आएंगे? 6,600। बीइंग बीइंग रेंट पेड ₹6,600, ठीक है सर। एक और एंट्री करते हैं। बिल्कुल जी, एक और करते हैं, यहीं पे करते हैं एक और एंट्री। ये लो नंबर टू। सैलरी पेड करेंगे तो GST नहीं लगेगा, ध्यान रखना। कुछ एक पार्ट्स हैं जो कि नहीं लगता, मैं बीच बीच में बताता जाता हूँ, लिखते जाना। एक बार मैं लिस्ट भी दे दूंगा, ठीक है? ओके सर, चलिए। मैंने लिखा कमीशन पेड पेड बाय चेक ₹2,000 एंड GST 10%, ठीक है? एंड GST 10%। अब बताओ कौन सा है, CGST IGST? सर कुछ नहीं बताया तो सिंपल, क्या होगा? CGST और SGST। चलिए वर्किंग नोट है ना, कमीशन 2,000, इसके ऊपर प्लस होगा इनपुट IGST 10% है, तो 5,500 हो जाएगा ना IGST, सॉरी CGST, तो 5,500 हो जाएगा, तो 5% इसका ₹100 प्लस इनपुट SGST ₹100, टोटल हो गया हमारा ₹2,100, ठीक है? अब जनरल एंट्री, जनरल एंट्री पे चलते हैं। कमीशन क्या है हमारा? ये एक्सपेंस है, इट शुड बी डेबिट। ये क्या है? ये भी एसेट है, इट शुड बी डेबिट। ये क्या है? ये भी एसेट्स है, इट शुड बी डेबिट। और ये हमने पेड किया है तो ये भी एसेट है, लेकिन क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, इट शुड बी क्रेडिट, ठीक है ना? जो चीजें मैं करवा रहा हूं ना आपको, पहली क्लास से जब बिजनेस स्टार्ट किया था, रिवाइज बार बार करोगे तो ये लगेगा क्या सर बच्चों वाला काम करा रहे हो। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो लगेगा हो कितना मुश्किल है ये। चलिए ठीक है, एंट्री करें। कहाँ एंट्री करूं? एंट्री यहीं कर देते हैं, ठीक है? कमीशन अकाउंट डेबिट दिख रहा है ना आप सबको, इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, टू कैश, चेक से है ना, तो टू बैंक, टू बैंक, ठीक है? अमाउंट क्या आएगा जी? 2,000, ₹100, ₹100,
2100, 2200 रुपये, ये कैसे 100 रुपये भाई, 2200 होंगे ना, 2200 बींग। अब आप लिख सकते हैं, थोड़ा मेरा स्पेस की वजह से मैंने बींग को थोड़ा नीचे करा है, नोट करिए। आपको इसमें भी होमवर्क चाहिए क्या? हाँ सर, दो ना होमवर्क। ये जो मैंने लिखा है ना रेंट पेड, अब मैं लिख रहा हूँ नीचे, आपको लिखना है स्टेशनरी परचेज, स्टेशनरी परचेज खर्चा है ये, परचेज गुड्स नहीं है, 5000 का, और जीएसटी है इस पे 12%, ये आपने करना है। ठीक है, बाकी असाइनमेंट दे दूंगा, चिंता ना करो, असाइनमेंट दूंगा फटाफट से। आप एक बार इसको नोट करिए, फिर हम जाएंगे आगे के ट्रेड डिस्काउंट वाली एंट्री कैसे किया जाए। जीएसटी में धीरे धीरे होले होले आगे चलेंगे, ठीक है ना? तो इस वाली क्लास में तो यहीं तक है, यहां तक करते हैं। जो इससे नेक्स्ट अपकमिंग क्लास होगा उसके अंदर करेंगे कि हम जीएसटी जब विद परचेज और सेल्स की बात करेंगे, जब ट्रेड डिस्काउंट के साथ होगा तो क्या करेंगे, फिर जब कैश डिस्काउंट के साथ होगा तो क्या करेंगे, फिर दोनों को मिला के एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ठीक है ना? एक चीज और, एक्सपेंस में, चलो इसे नोट करो, फिर मैं चलता हूँ इसको लेके ना, या फिर मैं उसके लिए अलग से कॉन्सेप्ट बना लूँ। एक्सपेंस में एसेट्स नहीं, चलिए ठीक है, यहीं तक रहने दीजिए। मैं एसेट्स के लिए और लाइबिलिटी के लिए अलग से कॉन्सेप्ट बना लूंगा। जैसे मैं सोच रहा था मेरे माइंड में कि बिल्डिंग खरीदा तो उस पर भी तो जीएसटी लगेगा, या फिर फर्नीचर खरीदा उस पर भी जीएसटी लग रहा है आपका, या आपने कुछ भी एसेट्स और खरीदा, मशीनरी खरीदा, तो उसके लिए भी एंट्री मैंने सोच रखा है। आप चिंतित ना हो, मैं करवाऊंगा, ठीक है बच्चे? चलिए ठीक है, आप सभी को गुड इवनिंग, सॉरी गुड नाइट, आप सभी को गुड नाइट, और मिलते हैं हम अगली क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखें, घर पे रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, मार्क्स अच्छे आने चाहिए। मैं रिजल्ट सब किसी का पूछता हूँ, मैं आपसे भी पूछूंगा। और ऐसा मत बोलना कि सर 40 आए, 50 आए या 60 आए, मुझे चाहिए 90s में मार्क्स, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।